देखिए राजीव भाई, आपने सही बोला। जो एम्प्लॉयमेंट मेरे पास मिनिस्ट्री है, और बहुत एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिससे हम रोजगार लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य ही कहूँगा कि जब मैंने इस मिनिस्ट्री की कमान संभाली 23 मार्च के बाद, जब मैंने पहली समीक्षा बैठक ली और उसमें मुझे ये पता चला कि जो हमारा सेवा योजन विभाग है, जिसको उत्तराखंड जब बना था उसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नाम इसलिए दिया गया था कि ताकि वहाँ पे लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकें और वहाँ पे फिर लोगों को वो आउट हम लोगों को नौकरी प्रोवाइड करा सकें। लेकिन बाद में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को आउटसोर्सिंग एजेंसी से हटा दिया गया और उपनल और पीआरडी ने उसको रिप्लेस किया, जबकि हमारे पास 23 ऑफिसेस थे, हमारे पास 8.5 लाख लोग उस वक्त पंजीकृत थे, हमारे पास आर्म स्ट्रेंथ थी, लोगों की वर्किंग फोर्स थी। और जब मैं यहाँ पर मैंने पहली बार समीक्षा बैठक ली तो मैंने एक स्ट्रिक्ट निर्देश दिया अधिकारियों को कि सेवा योजन विभाग को वापस आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाना चाहिए। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा करी, माननीय हमारे जब बी एल संतोष जी आए थे, राष्ट्रीय महामंत्री जी, उनसे चर्चा करी और बहुत जल्दी मैं इसको कैबिनेट में लेके आऊंगा और उसको सेवा योजन को वापस आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाऊंगा। क्योंकि हमारे पास 13 के 13 जिलों में स्थापित ऑफिसेज हैं, हमारे पास रजिस्टर्ड लोग हैं, और हमारी सरकार आउटसोर्सिंग पे लोगों को बाहर से एम्प्लॉय करे, इससे अच्छा है कि हम उनको डायरेक्ट आउटसोर्सिंग जो है हम सेवा योजन विभाग से करें। तो सबसे पहला कदम तो उसको आउटसोर्सिंग एजेंसी वापस बनाने का है, जिस पे मैंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया, बहुत जल्दी ये पूरा भी होगा। फिर आपने बात करी रोजगार की। देखिए मेरे जो विभाग हैं, चाहे वो सेवा योजन हो, चाहे वो स्किल्ड हो, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो मत्स्य पालन हो, दुग्ध पालन हो, उद्योग विकास हो, ये सारे विभाग ऐसे हैं जो मेरा मानना है कि ये तीन जो स्पेशल विभाग, मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, जो दुग्ध विकास, मत्स्य और जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, ये तीनों ऐसे विभाग हैं जो दूरस्थ उत्तराखंड और दुर्गम क्षेत्रों तक हम लोगों तक पहुँच भी सकते हैं और लोगों को रोजगार दे सकते हैं और मातृ शक्ति को सशक्त बना सकते हैं। तो मैंने समीक्षा बैठक जब ली अपने अधिकारियों की, तो मैंने उनको स्ट्रिक्ट निर्देश भी दिए हैं कि ऐसी योजना बनाइए जिससे कि हम युवाओं को, क्योंकि युवा जो है वो दुग्ध की तरफ बहुत ज़्यादा आज के दिन आकर्षित नहीं हो रहा है, वो मैनुअल लेबर का काम है, उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है, तो हम उसको एक स्मॉल ऑटोमेटेड यूनिट सेटअप करने की हमारी एक स्कीम है जिस पे हम काम करेंगे। हम 8-10 युवाओं के एक समूह बना के और उनको स्मॉल सब्सिडी पे स्मॉल ऑटोमेटेड यूनिट्स देंगे और उनको दुग्ध में उनको आकर्षित करने का हमारा एक प्रोग्राम है। मत्स्य पालन का हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है, लगभग लगभग 6 पर्वतीय जिलों में हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। 2017-18 में हम सिर्फ 70-80 क्विंटल 30 क्विंटल सॉरी 30 मेट्रिक टन हम वो कर रहे थे उत्पादन। आज के दिन हम 300 मेट्रिक टन पहुंच चुके हैं और हमारा लक्ष्य 2025-26 तक इसको 5,000 मेट्रिक टन तक पहुंचाना है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं, 6 पर्वतीय जिले, जहाँ पर पूरे का पूरा गाँव मत्स्य पालन में लगा हुआ है। 1,800 रुपये किलो पर हम ट्राउट, हिमालयन ट्राउट फार्मिंग के द्वारा हम उसको कर रहे हैं और 1,800 रुपये किलो पे हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज के दिन। तो हमारे बहुत सारे लोग इसके द्वारा रोजगार से जुड़े हैं। एनिमल हस्बेंड्री एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है जो सिर्फ पर्वतीय नहीं, तराई क्षेत्रों को भी सपोर्ट काफ़ी अच्छी तरह कर रहा है, दुग्ध और एनिमल हस्बेंड्री। हमने जो हमारे एस सी एस टी समाज के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम्स है हमारे पास, जिसमें हम उनको गाय 90% सब्सिडी पे दे रहे हैं, 10 बकरियां 90% सब्सिडी भी दे रहे हैं, 50 मुर्गी के बच्चे उनको सब मुफ्त में देंगे। एक कोशिश है कि रोजगार से लोगों को जोड़ा जा सके, जो जो गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो एससी समाज के हैं, जो हमारे एसटी समाज के हैं, इनको अगर हम इन इन सारी योजनाओं से जोड़ सके, सरकारी योजना से, तो कहीं ना कहीं उनका भी आमदनी एक होने का जरिया बन जाएगी। और हमारे हमारे जो सपना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एक श्वेत क्रांति ला सकें इस प्रदेश में, वो भी पूरी हो सकती है, क्योंकि जितना हम लोगों को इस बिजनेस से जोड़ेंगे उतना ही हमारा दूध की उत्पादन बढ़ने के चांसेस रहेंगे।